हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और उनके कार्यों के बारे में समझेंगे। लेखक मोजर के शब्दों में सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण सामान्य जीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की आवश्यकता, किसी कारण परिणाम संबंध की जानकारी अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के उद्देश्य से किया जाता है। अब इन पे हम अगर देखें कि जो उद्देश्य हैं, उन सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों को हम इन जो मुख्य बिंदु हैं इनसे समझ सकते हैं। सामाजिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन, व्यवहारिक महत्व और कार्य कारण संबंधी का ज्ञान, सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा, उपकल्पना का निर्माण और परीक्षा, समाज सुधार। तो सर्वप्रथम हम पहले वाले पॉइंट को यदि हम देखते हैं तो उसमें लिखा है सामाजिक तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण का मौलिक उद्देश्य यही होता है कि वह इसके माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का संकलन करे। सामाजिक जीवन के विविध पहलू जो हमारे यहाँ विद्यमान होते हैं उनमें इस पद्धति के द्वारा समाज की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, साथ ही सामाजिक जीवन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाए और इन सूचनाओं से इन तथ्यों के आधारों पर ही सामाजिक जीवन को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक जीवन में व्याप्त जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम हो, आधुनिक हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उसमें कुछ मात्रा में कुछ ना कुछ समस्याएं तो विद्यमान रहती ही हैं, और यह समस्याएं उनके जीवन को और समाज के लिए भी मतलब जो व्यवधान उत्पन्न करती हैं या बाधाएं की भांति उनका एक भूमिका निभाती हैं, जिनसे जीवन कमजोर बनता जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हमें स्वयं जानकारी होती ही नहीं है, और कुछ समस्याओं के मूल कारणों का हमें ज्ञान भी नहीं होता है, मतलब हमें पता ही नहीं होती कि समस्याएं मूलभूत रूप में हैं क्या। इसलिए ये जीवन के लिए अभिशाप भी बन जाती हैं। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन से संबंधित इन्हीं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अब आते हैं हम श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन। श्रमिकों की दशाओं के अध्ययन में आधुनिक युग में कल्याणकारी जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और महत्व भी दिया जाता है। सभी वर्गों के कल्याण के प्रयास किए जाते हैं, पर श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है वे योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती हैं जब तक एक श्रमिक वर्ग के जीवन और समस्याओं की वास्तविक जानकारी व्यक्ति के पास ना हो। सामाजिक सर्वेक्षण श्रमिक वर्ग का अध्ययन जरूर करता है पर इनकी समस्याओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वह उनकी वास्तविक समस्याओं की जानकारी को न ले और उस पर अध्ययन न करे। व्यवहारिक महत्व, सामाजिक सर्वेक्षण का जीवन में व्यवहारिक भी बहुत महत्व है। अगर हम देखें कि जीवन अगर हम देखते हैं इतना उपयोगी है, किसी भी समस्या का सैद्धांतिक ज्ञान तो पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन यह ज्ञान मात्र एक पहलू ही रह के सकता है। मतलब एक जो देखा जाता है कि अलग अलग समस्याएं उनके अलग अलग पहलुओं को हम जब देखते हैं तो वह एक पहलू के रूप में ही सामने आती है, लेकिन वह वास्तविकता के रूप में नहीं आती है। पर ज्ञान का जब दूसरा पहलू हम देखते हैं तो ज्ञान का दूसरा पहलू हमारा होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो उस व्यवहारिक के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, पारिवारिक विघटन, अपराध आदि समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त जब कर सकते हैं तो इसके आधार पर इन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान भी निकाला जा सकता है। इसके पश्चात आता है कार्य कारण संबंध का ज्ञान। कार्य कारण संबंध का ज्ञान, इसमें अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं आधारहीन नहीं होती हैं, इन घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। इन घटनाओं को जो इन विशेष घटनाओं को जन्म देते हैं और इन घटनाओं के विकास में भी सहायक होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण इन प्रश्नों का उत्तर देता है कि घटनाएं क्यों घटित होती हैं,
इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं में जो भी होता है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। अब सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा का यदि समाजशास्त्र अध्ययन करता है तो यह समाज के अध्ययन में कोई स्थायी तत्व ना होकर गतिशील तत्व है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण ही सामाजिक घटनाओं के संबंध में जिन नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वो भी गतिशील हो जाती हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। इसीलिए प्राचीन नियमों की परीक्षा करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। चूँकि सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की एक पद्धति है, अतः इसके माध्यम से सामाजिक नियमों के सत्यापन की भी जाँच की जा सकती है। अब आते हैं हम उपकल्पना का निर्माण और परीक्षा। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सर्वेक्षण की उपकल्पनाओं के संबंध में निम्नलिखित उद्देश्य भी बताती हैं। मतलब हम ऐसे करके लिख सकते हैं उसमें कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो निम्नानुसार रहते हैं। उसमें भी हम ये पॉइंट दे के बता सकते हैं कि इसके माध्यम से उपकल्पना के निर्माण में सहायता मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण और इन उपकल्पनाओं के माध्यम से उसकी परीक्षा और उसके सत्यापन की जांच भी की जा सकती है। और जब हम सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित उपकल्पना की परीक्षा करते हैं तो अनेक अवसरों पर हमें नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण भी हो जाता है और इससे संबंधित जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसको गति मिलती है। आखिरी में आते हैं हम समाज सुधार पर। अब जब समाज सुधार वाली बात आती है तो सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो समाज सुधार समस्याओं से संबंधित होता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से हमें सामाजिक समस्याओं के कारणों की भी जानकारी होती है और इस जानकारी के बाद इन कारणों का निराकरण करके इन समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।